माननीय राष्ट्रपति महोदया, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है, और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपखंडों और तदाधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए।
तो शपथ ग्रहण समारोह जो है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और अब ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर पूरा हो गया राष्ट्रगान के साथ। द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, देश की राष्ट्रपति, और उनके साथ यहां जगदीप धनखड़ जी जो अब मुलाकात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से। तमाम बाकी लोग जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, और देश के 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को यहां पर आप देख रहे हैं, उन्होंने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो रहा है और राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हुआ। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर जब शपथ वो ले रहे थे और दूसरी तस्वीर वहां मौजूद तमाम गणमान्य लोगों की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के राष्ट्रपति ने देश के नए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई, और अब 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ी खबर इस वक्त, देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी। द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को शपथ दिलाई है, और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ आज भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन से यहां पर गणमान्य मौजूद रहे, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम और लोग यहां पर राष्ट्रपति भवन में आपको नजर आ रहे हैं, और जगदीप धनखड़ जी सभी का अभिवादन करते हुए